AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बस्ती की महादेवा विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जन अधिकार पार्टी और AIMIM भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार पूर्णिमा गौतम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी ने किसानों को दो रोजगार दे दिए हैं। एक रोजगार ये है कि किसान अपनी जमीन पर मेहनत करे, जब रात हो जाए तो अपनी फसल की हिफाजत करे। इसका हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2017 में 70 लाख नौकरियों का वादा किया, हम नहीं दे सके। अब प्रधानमंत्री का फॉर्मूला ये है कि नौकरी छोड़ो, जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, एमए पीएचडी किया है, उनसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। किसान को योगी और मोदी ने दो रोजगार दे दिए। एक रोजगार किसान का यह है कि दिन भर किसान अपनी जमीन पर मेहनत करे और जब रात हो जाती है तो जाकर अपने फसल की हिफाजत करे। ये दो रोजगार योगी और मोदी ने दिया तो इसका हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने हमारी बीजेपी पार्टी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2017 में 5 साल पहले 70 लाख नौकरियों का वादा किया, हम नहीं दे सके। अब प्रधानमंत्री का फॉर्मूला यह है कि नौकरी छोड़ो, जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, एमए करा हुआ है, पीएचडी करा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तुम गोबर बेचो और पैसे कमाओ। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिस किसी के पास गाय या सांड होगा हम उसको 900 रुपये देंगे। मुख्यमंत्री जी, 50 किलो जो खिलाना पड़ता है सांड को, वो 900 रुपये में आ जाएगा? आपको मालूम उत्तर प्रदेश में विकलांगों को सरकार का पेंशन की